हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवेश शुक्ला है और मैं पार्टनर हूँ आईसीआईसी डायरेक्ट के साथ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने आईपीयू के लिए अप्लाई किया है तो अगर आपको अलॉट होता है तो उसको कहाँ से चेक करना है कि आपके डीमैट अकाउंट में आया है कि नहीं आया है। जनरली हम जाते हैं अपने इक्विटी में और उसमें देखते हैं हमारी जो भी ओपन पोजीशंस वगैरह हैं, पोर्टफोलियो में जाके चेक करते हैं कि इक्विटी में आया है क्या। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे तो यहाँ पे तो अभी कुछ भी नहीं आया है, पर हमको अलॉटमेंट हो चुका है। तो वो अलॉटमेंट कहाँ से चेक करना है हमें, ठीक है? तो वो अलॉटमेंट चेक करने के लिए आपको जाना है सीधे इक्विटी में। इक्विटी में जाके आपको जाना है डीमैट एलोकेशन में, ये एक ऑप्शन रहता है। ये ओल्ड वेबसाइट, न्यू वेबसाइट, आपको मोबाइल ऐप तीनों में मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है डीमैट एलोकेशन। आज थोड़ा नेट स्लो है। हाँ, तो इंडियन रेलवे के लिए हमने अप्लाई किया हुआ था, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के लिए। 26 रुपये करंट मार्केट प्राइस है और ये हमको अलॉट हो चुका है, 575 क्वांटिटी अलॉट हुई है। तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ से बाई सेल कर सकते हैं, ये आपका डीमेट एलोकेशन में आता है। कभी कभी क्या होता है, जब आप डिलीवरी लेते हैं तो वो भी आपके पोर्टफोलियो में शो नहीं होती है, वो यहाँ पर रहती है। तो सेम चीज़ है, आप इसको यहाँ से डायरेक्ट अपने पोर्टफोलियो में डाल के सेल कर सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। तो मैं इसको दिखाऊंगा कि कैसे आपको आपका एलोकेट करना है जो आपको आईपीओ अलॉट हुआ है। साथ ही साथ आईपीओ के साथ साथ कभी कभी आपकी डिलीवरी भी आपको पोर्टफोलियो में नहीं दिखती है। जब नहीं दिखे आपको डिलीवरी पोर्टफोलियो में, तो आप यहाँ पर आइए डीमेट एलोकेशन में और यहाँ से आके आपको करना क्या, आप यहाँ पर एलोकेट, यहाँ पे जाके आप इसको एलोकेट कर देंगे तो ये आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगा। क्वांटिटी लिखा हुआ है, ठीक है, एलोकेटेड 575, ये शायद एलोकेटेड हो चुकी है। यस, ये अगर यहाँ पे ऐसा दिखाता है आपको, यू कैन नॉट एलोकेट मोर देन 0, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका ये एलोकेट कर दिया गया है शेयर, ठीक है ना? तो आप इसको डायरेक्टली अब यहीं से सेल कर पाएंगे। जो अदर आपके रहेंगे आईपीओ के अलावा, जो भी शेयर रहते हैं कि जो आपको आपके पोर्टफोलियो में नहीं दिखते हैं, वो यहाँ पे आपको दिखेंगे। आपको सेम क्वांटिटी एंटर करके सबमिट करना है और वहाँ पे अगर 0 दिखाता है तो इसका मतलब ये है कि हाँ, वो ऐड हो चुका है, ठीक है? तो ये हमारा फ़िलहाल यहाँ पर पड़ा हुआ है डीमैट एलोकेशन में। जैसे ही 10 बजे खुलेगा तो हमको इसको सेल करना है, हम डायरेक्ट इसको यहाँ से सेल कर देंगे। एनएससी में जाके क्वांटिटी 575, मुझे इसको 27 रुपये में सेल करना है। 26:50, सामने वाले को लग रहा है कि गिरेगा मार्केट, तो उन्होंने कहा है कि आप इसको रेट टू रेट पे निकाल दीजिए। तो हम इसको 26:50 पे लगा के अभी से इसका ऑर्डर ऐसे लग जाएगा, इसका ऑर्डर, ठीक है? तो इतना ही है डीमैट एलोकेशन के बारे में। थैंक यू।